तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि Vivo T1 Pro मोबाइल में सिस्टम अपडेट कैसे किया जाता है, यानी कि दोस्तों Vivo T1 Pro मोबाइल को अपडेट कैसे किया जाता है। दोस्तों अगर आपके मोबाइल में सिस्टम अपडेट आया रहेगा तो आपको यहाँ पे रेड कलर में सेटिंग के ऊपर लिखा रहेगा मिलेगा। तो दोस्तों ये अपडेट समय समय पर आता रहता है और आपको ये अपडेट कर लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सिस्टम को अपडेट करने से आपके मोबाइल में कई नए सारे फीचर्स आ जाते हैं, तो इससे आपका काफी फायदा होता है। तो सिस्टम को अपडेट करने के लिए आपको यहाँ से अपना सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सिस्टम अपडेट का, तो सिस्टम अपडेट पे आपको क्लिक कर देना है। तो सिस्टम अपडेट के सामने आपको यहाँ पे रेड कलर में 1 भी लिखा रहेगा, तो इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इस तरह का इंटरफेस। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका अपडेट कितने MB का है या कितने GB का है, और यहाँ से आपको टोटल देखने को मिल जाएगा कि आपके मोबाइल में क्या क्या अपडेट आया हुआ है। तो यहाँ से देखने के बाद आपको यहाँ से नीचे आ जाना है, तो आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिलेगा कंटिन्यू डाउनलोड का। दोस्तों सिस्टम को अपडेट करने के लिए आपको यहाँ पे कंटिन्यू डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक कर दोगे एक बार फिर से आपको यहाँ पे कंटिन्यू डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, तो इस पे आपको फिर से एक बार क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक कर दोगे आपको जो यहाँ पे लाइनिंग देखने को मिलेगी ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों मैंने पहले से ही थोड़ा सा डाउनलोड करके रखा है, तो ये थोड़ा अभी लाइनिंग बाकी है और ये दोस्तों थोड़ा धीरे धीरे करके पूरी लाइनिंग होगी। और जैसे ही आपकी ये लाइनिंग पूरी हो जाएगी, यानी कि जो परसेंटेज यहाँ पे चल रहा है ये 100 हो जाएगा, तो आपकी लाइनिंग पूरी हो जाएगी और आपका अपडेट हो जाएगा। पूरी होने के बाद आपका दोस्तों मोबाइल ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा और ऑटोमेटिक ही स्विच ऑन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको कोई भी बटन या स्क्रीन पे कुछ भी टच नहीं करना है, ऑटोमेटिक ही सब कुछ होगा, स्विच ऑफ स्विच ऑन ऑटोमेटिक होगा और इसके बाद दोस्तों आपका मोबाइल अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने Vivo T1 Pro मोबाइल को अपडेट कर सकते हो बिल्कुल ही आसान तरीके से।